लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, पैरेलल वायर्स, ये सारा काम किया। अभी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, इसके ऊपर 101% क्वेश्चन आएगा। तो इसमें टॉर्क की प्रॉब्लम है। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप के अंदर आप एक करंट कैरिंग लूप लें और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो करंट कैरिंग लूप जो है उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा। करंट इसमें इस तरीके से जा रहा है, एल और बी, लेंथ और ब्रेथ है। अब क्योंकि करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, चार तारे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, हर के ऊपर फोर्स लगेगी। फोर्स के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जैसे राइट वाली जो वायर है, जो राइट वायर है उस पे बी कैसे है, ऐसे है। करंट कैसे है, ऊपर है। तो फोर्स कैसे है, अंदर है। तो इस पूरी वायर पे फोर्स इनसाइड है और इस पूरी वायर पे फोर्स आउटसाइड आएगी। जरूरत नहीं लगाने की, पता ही है एक अंदर एक बाहर है क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज है। तो यहां पे फोर्स ऊपर आएगी, यहां पे नीचे आएगी। तो ये टॉर्क जनरेट नहीं करेगी क्योंकि ऊपर और नीचे की फोर्सेस आपस में बैलेंस कर जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अंदर और बाहर की फोर्सेस इस लूप को घुमाएंगी, रोटेट करेंगी, तो टॉर्क जनरेट होगा। इस पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ वन बी आई एल साइन 90। इसके ऊपर क्या होगा, बी आई एल साइन अगेन 90, कि बी और एल में एंगल कितना चल रहा है, 90। इसमें क्या लगेगी, बी आई एल, एल और बी में एंगल क्या है, थीटा, बी आई एल साइन थीटा। और इसमें क्या लगेगी, बी बी किधर है, इधर है। लेंथ कहां है, करंट के साथ है, तो इनमें एंगल क्या, 180 माइनस थीटा। तो बी आई एल साइन 180 माइनस थीटा। ये चार फोर्सेस हैं, इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऊपर और नीचे की फोर्सेस आपस में कैंसिल, ये दो फोर्सेस बी आई एल अंदर और बाहर हैं, ये टॉर्क जनरेट करेंगे। इनमें पैरेलल डिस्टेंस क्या होगा, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो अगर ये स्मॉल बी है और अगर ये थीटा, ये थीटा है, तो ये क्या बनेगा, बी कॉस थीटा। तो फोर्स की वैल्यू, तो ये डायग्राम बन गया, इसके अंदर एक फोर्स अंदर है, एक फोर्स बाहर है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बी कॉस थीटा। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू है बी आई, या फिर ऐसा करते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अंदर और बाहर का बी आई एल है, और इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, बी कॉस थीटा। तो आंसर आएगा बी आई एल इनटू बी कॉस थीटा। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है, एरिया। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, टॉर्क की वैल्यू आएगी बी आई ए कॉस थीटा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो इस रिजल्ट को एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास नेट टॉर्क आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है, टॉर्क का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में आया। कॉस तब फॉर्मूला यूज होता है जब एंगल जो गिवन है किसके किसके बीच में गिवन है, लूप में और फील्ड में, लूप में और फील्ड में एंगल थीटा है। लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में जो एंगल दिया जाएगा वो इस लूप के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ दिया जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दूसरा नाम है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर के साथ ही दिया जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर है, ये बी और ये थीटा था, तो ये मान लो एरिया वेक्टर ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, अल्फा। तो अल्फा प्लस थीटा क्या है, 90। थीटा का मतलब एंगल बिटवीन बी एंड लूप, और अल्फा का मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी। तो आप थीटा की जगह रिप्लेस करेंगे 90 माइनस अल्फा, आपके पास ये आंसर आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको एंगल लूप में और बी में दिया होगा। ये तब यूज करना है जब आपको एंगल एरिया वेक्टर और बी में दिया होगा। एरिया वेक्टर और बी में ज्यादातर यही फॉर्मूला चलता है। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो यहां पर एम बी साइन अल्फा एम क्रॉस बी, वेयर इसको जब ओपन करते हैं कैपिटल एम और बी में एंगल क्या है, अल्फा। तो ये फॉर्मूला टॉर्क का याद रखना है। ये फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का तब लगता है जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है क्या, करंट इंटू एरिया। तो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में कैपिटल एम वेक्टर है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये बहुत आता है पेपर में कि बताएं कि इसमें टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, थीटा क्या होगा, 0।
तो इसका मतलब जब लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, बी भी इधर है, लूप भी इधर है, टॉर्क मैक्सिमम है। जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर भी क्या करते थे, लूप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करके रखते थे, तो बी मैक्स टॉर्क मैक्सिमम है। और अगर लूप परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा उसमें, 90। ये याद रखेंगे कि लूप जो है कैपिटल एम और बी में एंगल जब क्या होगा, कैपिटल एम और बी में एंगल क्या होगा कि टॉर्क मैक्सिमम आ जाए। आंसर क्या मार्क करेंगे, कैपिटल एम और बी में एंगल क्या हो कि टॉर्क मैक्सिमम हो, 90। कैपिटल एम और बी में ये फॉर्मूला लग रहा है, लूप जब फील्ड के साथ है तो लूप का एंगल जीरो है, पर कैपिटल एम का वेक्टर बी के साथ 90 हो जाएगा। ये याद रखना है, पेपर में आता है। नेक्स्ट है इसमें, चलो न्यूमेरिकल्स हैं तो जो है, जैसे न्यूमेरिकल्स में एम क्रॉस बी के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक क्वेश्चन श्योर शॉट 100 या 200% आने वाला है गैल्वेनोमीटर और उसकी कन्वर्जन पे, कि गैल्वेनोमीटर और हाउ कैन गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, इसके ऊपर 101% क्वेश्चन आना है। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि जब करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होगा, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। फिर आपने क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में आपने एक ये कॉइल लेना है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, ये एक वायर है और ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर है, करंट इसमें जाएगा, लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, करंट जिसको मेजर करना है इसमें सेंड किया जाएगा, तो ये टॉर्क जनरेट करेगा। तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना इसमें करंट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा टॉर्क होगा। तो ये डायग्राम बनाने के बाद आपने ऐसे लिखना है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ लूप, जो भी है, ए क्रॉस सेक्शन तो नहीं कहेंगे, आई करंट है और के का मतलब टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है। तो थ्योरी ये है इसमें कि जो टॉर्क हमने लगाया, क्योंकि क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन किया जाता है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, एन बी आई ए मैक्सिमम, और स्प्रिंग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगे क्योंकि इसमें रोटेशनल मोशन होना है स्प्रिंग का, तो के एक्स की जगह के इंटू एल्फा, एल्फा का मतलब डिफ्लेक्शन एंगल है, तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू आ गई और क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट की वैल्यू आ गई, तो करंट इसके इक्वल है। इसके अंदर ये सारे कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा उतने ज्यादा उसमें करंट मेजर होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। या इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं, एक टर्म जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट है जी आई बाय अल्फा की रेशियो को फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। तो इसके अंदर आई और अल्फा की रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, आई और अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये फॉर्मूला आएगा फिगर ऑफ मेरिट का, तो आएगा पेपर में कि फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करो गैल्वेनोमीटर की। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कितना सेंसिटिव है गैल्वेनोमीटर, छोटे से छोटे करंट मेजर करने के लिए उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है अल्फा बाय आई, फिगर ऑफ मेरिट का रेसिप्रोकल करंट सेंसिटिविटी है, फिगर ऑफ मेरिट थी आई बाय अल्फा, ये अल्फा बाय आई, तो ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला अल्फा बाय आई नहीं, अल्फा बाय वी, वी क्या होता है आई इनटू आर, अल्फा बाय आई क्या है करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी बाय गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो याद रखेंगे फैक्टर्स जिससे कि सेंसिटिविटी बढ़ती है या कम होती है, सेंसिटिविटी किस पे डिपेंडेंट है, एन बी ए के आर पे, ये सब सेंसिटिविटीज हैं। तो आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं कैसे, एन को बढ़ा के, बी को बढ़ा के, ए को बढ़ा के और आर को कम करके, सिंपल। तो ये इसकी सेंसिटिविटी है। पेपर में आएगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यह आता है पेपर में। तो जब भी क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है तो कि टॉर्क उस पर मैक्सिमम प्रोड्यूस हो उसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि हम इसको जो कनकेव शेप क्यों लेते हैं इस मैग्नेट को, ये एक्सप्लेन करें। ये क्वाइल का टॉप व्यू है ऊपर से सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर वायर लपेट रखी हैं, तो यहाँ से लाइंस निकलती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। तो ये कनकेव शेप होने की वजह से ज़्यादातर जो ये रे जो आपकी ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये इसमें से पास करती हैं ताकि इसको मैक्सिमम फील्ड मिले, क्योंकि अगर फील्ड मैक्स होगा तो टॉर्क भी मैक्स होगा। तो एक तो कॉइल को फील्ड के साथ रखा हुआ है और सारी लाइंस इसमें से क्रॉस की हुई हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
तो इसको फील्ड को क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन में गिवन है पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कंकेव इन शेप टू हैव यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज दैट फील्ड इन विच प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आना चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला क्या यूज करना है, के बाई एन बी ए इंटू अल्फा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन के अंदर जैसे ये पूछ रहा है एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया गिवन है, एंगल गिवन है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, बी गिवन है, गॉस में गिवन है, टेस्ला में कर लेना, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट निकालना है, करंट और अल्फा गिवन है। बिल्कुल सारी वैल्यूज दे रहे हैं, बस आपको के नहीं दे रहा, के की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये बेसिकली सीधा फॉर्मूला बेस्ड रिफ्लेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है। हद से हद क्या पूछ लेगा, करंट सेंसिटिविटी की रेशियो पूछ लेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशियो पूछ लेगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपने इसमें करने हैं, ये करने हैं सारे आपने। मेन जो क्वेश्चन आता है इसमें जो मैं देख रहा हूँ वो है कन्वर्जन के ऊपर, ये तो पक्का आएगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एम मीटर। एम मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एम मीटर बनाने के लिए हम शंट लेते हैं पैरेलल में, शंट कभी सीरीज में लगती नहीं है, शंट का मतलब एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो पैरेलल कनेक्शन में होती है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में, बाय कनेक्टिंग अ शंट इन पैरेलल। इससे क्या होगा, आई करंट आएगा, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है मान लो आई जी, बाकी सारा करंट इसमें जाएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस लो है तो इसमें ज्यादा करंट जाएगा, I माइनस आई जी, ये दोनों पैरेलल में है तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई जी। वी की वैल्यू सेम करके यहां से शंट का फॉर्मूला आ गया, शंट की वैल्यू अगर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, शंट देगा आई पूछ लेगा, आई देगा शंट पूछ लेगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो वी की वैल्यू रिमेन्स सेम। तो पूछ लेगा एम मीटर की टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इस कॉम्बिनेशन को एम मीटर बोलते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में है, तो आपके पास की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर हमेशा, वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाई जाती है, हाई रेजिस्टेंस, लो नहीं, बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगती है, ऐसे ये वोल्टमीटर बन गया। तो नीचे का जो सर्किट है इसमें से वी मेजर करना है, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा दिया तो इसमें से पीछे से आई करंट आ रहा है, तो इसमें मान लो आई जी चला गया, इसमें कितना हो गया आई माइनस आई जी, तो इसके अंदर टोटल वोल्टेज क्या होगी, आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर, आई जी इंटू जी आई जी इंटू आर, तो यहां से वैल्यू ऑफ आर कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसके न्यूमेरिकल जो है ये आपको आने चाहिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वोल्ट मीटर के अंदर जैसे आर का ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स हैं एम मीटर कन्वर्जन और वोल्ट मीटर कन्वर्जन का। तो एग्जाम्पल नंबर वन है कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जी है ये, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो एक गैल्वेनोमीटर इतना करंट मेजर कर सकता है, ये आईजी है। हाउ विल यू कन्वर्ट मीटर इनटू एम मीटर जिसकी रेंज 7.5 है, तो ये आई है, जो आईजी है ये आई है, क्या लगेगी शंट, तो शंट लगा देना, शंट का फॉर्मूला पता है, जी पता है, स्मॉल करंट गैल्वेनोमीटर का पता है, एम मीटर का करंट पता है, सॉल्व करके शंट की वैल्यू आ गई। फिर वो कह रहा है वोल्ट मीटर बनाना है जिसकी रेंज 10 है, तो वोल्ट मीटर में क्या लगता है आर, तो आर हमने कैलकुलेट किया, आर के फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट करके आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें एम मीटर बनाना होगा और वोल्ट मीटर बनाना होगा, एम मीटर बनाने के लिए आपको शंट लगानी पड़ेगी और वोल्ट मीटर लगाने के लिए आपको हाई रेजिस्टेंस आर लगानी पड़ेगी। जैसे गैल्वेनोमीटर विद अ स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, गैल्वेनोमीटर के जो डिवीजन हैं वो 100 डिवीजन हैं, हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो एक डिवीजन का कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 10 मिली एम्पियर है, तो 100 डिवीजन का क्या होगा, 100 को इससे मल्टीप्लाई करके करंट आ जाएगा। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, तो 1 मिली वोल्ट, तो मतलब कि 2 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंगली वोल्टेज कितनी है, 2 मिली वोल्ट है। What adoptions are required to read 5 ampere for and 1 division per volt? देखो ये बड़े confusing question होते हैं जिसमें voltage sensitivity और current sensitivity इस form में given होती है। तो इसमें क्या करना है? ये जो ध्यान से इसके units पढ़ें, 10 divisions per milli ampere।
डिविजन्स करस्पॉन्ड्स टू डिफ्लेक्शन, एल्फा जो होता है वो डिविजन मेजर किया जाता है, तो एल्फा अपॉन करंट, एल्फा बाय आई, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो ये आपकी करंट सेंसिटिविटी है। तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू गिवन है 100 डिवीजन में करंट की वैल्यू क्या आएगी। अब ये देखो ना, जो 10 डिवीजन है उसमें हमें ये पता है 10 डिवीजन में करंट कितने 1 मिली एम्पियर है। तो यूनिटरी मेथड, एक डिवीजन में इतना होगा, 100 डिवीजन में इतना होगा। तो ये गैल्वेनोमीटर करंट निकालने का तरीका है। सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी से करंट निकलता है, आई जी निकाल लेना इसमें। ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या गिवन है, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, यानी कि अल्फा बाई वी गिवन है। तो आप यूनिटरी मेथड लगाना, 2 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंगली कितने, 1 मिली वोल्ट है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली कितने, और 100 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंगली इतना, तो ये वीजी आ गया। जब भी करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटीज गिवन होंगी, पहले आप आई जी और वी जी निकाल लेंगे और इनको डिवाइड करके गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये पहला स्टेप है। तो स्टेप समझ में आ रहा है, वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी से आई जी और वी जी आएगा, डिवाइड करके आपके पास जी आएगा। तो अगर आप इसमें एम मीटर बनाना चाहते हैं 5 एम्पियर का, बस कुछ करना ही नहीं, शंट लगा देना, आई जी तो निकाल ही लिया आपने, आंसर आ गया। अगर आप वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर में आर की वैल्यू में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसमें ये वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटीज गिवन है, बाकी इसमें नॉर्मल है, बाकी सेम रिपीट है क्वेश्चन, किसी में एस निकालना है, किसी में वी निकालना है। तो ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका कोई और तरीका नहीं है। गैल्वेनोमीटर और इसके ये अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं सारे, ये आपने एक बार गो थ्रू पक्का करने हैं, ठीक। फिर मैंने ये न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व भी दिए थे, ये सब रिवाइज करना है आपने, जब आप इसकी इसका टेस्ट आपने दे दिया मेरे को लगता है इसका, तो इसमें आया भी होगा ये सब कुछ, डाला हुआ था मैंने, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक डायपोल का। तो एक क्वेश्चन डायपोल और डायपोल मोमेंट का आना ही आना है किसी भी हालत में। तो एक क्वेश्चन आना ही आना है जिसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में गिवन है। कैसे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, करंट इंटू एरिया, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, करंट इंटू एरिया। तो ये आपके पास करंट इंटू एरिया है, कैपिटल एम करंट इंटू एरिया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एम क्रॉस वी, और कई बुक्स कैपिटल एम को म्यू भी लिखती हैं, जो कि करंट इंटू एरिया। इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बी वेक्टर गिवन है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ऊपर की तरफ बी गिवन है। रेक्टेंगल जिसकी साइड 10/5 है इज गिवन कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पीयर, से 12 एम्पीयर करना, फाइंड टॉर्क इन अ वेरियस सिचुएशन। देखो टॉर्क, अभी हमने फॉर्मूला क्या किया, टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी, एम क्या होता है, करंट इन टू एरिया, करंट गिवन है, एरिया गिवन है, कैपिटल एम की डायरेक्शन कहाँ है, 4 फिंगर्स घुमाओ, कैपिटल एम कहाँ है, बाहर है। कैपिटल एम और बी में एंगल क्या बनेगा, 90, तो एम बी साइन 90 लगा के आंसर आ जाएगा। और जो एम, क्योंकि एम वेक्टर बाहर है, बी वेक्टर ऊपर है, तो एम क्रॉस बी जब करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, क्योंकि एक वेक्टर वाई में है, नहीं, एक वेक्टर जो है वो कहाँ पे है, एक वेक्टर बी में है, एक वेक्टर बी में है। कैपिटल एम कहाँ पर है, आई कैप के अलोंग है, कैपिटल एम वेक्टर आई कैप के अलोंग है, ठीक है। तो टॉर्क कहाँ आएगा, टॉर्क आएगा कैपिटल एम बाहर की तरफ है और बी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो राइट हैंड कैपिटल एम क्रॉस बी, कैपिटल एम क्रॉस बी इधर जाएगा, इधर अगर वाई एक्सिस है तो इधर कौन सा है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो माइनस जे कैप आएगा। फिर से एम क्रॉस बी करना है, वेक्टर का रूल लगाएंगे, कैसे, वेक्टर के रूल में एम वेक्टर कैसे निकलता है, बाहर, ये एम वेक्टर है, बी वेक्टर कहां पर है, ऊपर, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, थंब इधर, इधर इस फिगर में जे कैप है, इधर माइनस जे कैप है, तो आंसर माइनस जे कैप में आएगा, ठीक। तो कैसे सोचना, समझ में आ रहा है यहां पर, तो इस लेवल का क्वेश्चन आता है इसमें नॉर्मली। और इसमें आपको ये बताना है, 4 ओरिएंटेशन गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसमें मैक्सिमम और किसमें मिनिमम है। ये करने से पहले काम करना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुकलेट में ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने कर लिया, गैल्वेनोमीटर की थ्योरी हमने कर ली, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर हमने कर लिया, मैग्नेटिक डायपोल में सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह,
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्वेश्चन पकाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंसेंट्रिक सर्कल या क्लोज लूप बनाती हैं। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टेंजेंट टू एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट है, करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया होता है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इसके भी आ सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एटम में तो वो करंट में कंट्रीब्यूट करता है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल लो कैपिटल एम, जो कि करंट इनटू एरिया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है अपने ऑर्बिट में तो उसमें करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या होता है? 2πr/v। तो टाइम पीरियड 2πr/v, तो करंट की वैल्यू आ गई। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया, तो करंट को एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो ये EVr/2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कैपिटल एम का फॉर्मूला EVr/2 बनेगा, ठीक है? तो करंट इनटू एरिया किया। नेक्स्ट है, अब एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? MVr। तो यहां से Vr की वैल्यू निकाल लो L/m, इस Vr को यहां पे पुट कर दो, तो कैपिटल एम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया, ये टर्म आ गई। तो एंगुलर मोमेंटम की टर्म में ये टर्म आ गई, और एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? H/nh/2π। तो ये आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया। वैसे जो मैंने नोट किया वो EVr/2 तक भी चलता है। नेक्स्ट है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर ये बता रखा है कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो हर कोई एटम है उसका कोई डायपोल मोमेंट होता है। तो वो जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं कि वो क्लोज चेन बनाते हैं, ताकि नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाए? जीरो। आपस में कैंसिलेशन हो जाती है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ जाता है। तो इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस केस में क्या होगा? सारे एक तरफ अलाइन हो जाएंगे, सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक डायपोल किसी भी करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया होता है, और किसी भी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला स्मॉल एम इंटू 2L होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में P होता था Q into 2A, ऐसे कैपिटल M होता है स्मॉल एम इंटू 2L। स्मॉल एम का मतलब है डायपोल पोल स्ट्रेंथ, किसी भी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम, और डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स 2L है। ये याद रखना है। फिर अगर आपको याद हो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे निकाला था, तो एक्सियल लाइन पे E की वैल्यू निकाली, उसी तरीके से एक्सियल लाइन पे यहाँ पर B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें ये पोल स्ट्रेंथ है M&M, ये एक्सियल लाइन है जहाँ पर B निकालना है। जहाँ E निकलता था वहाँ इमेजिन करते थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जहाँ B निकालना है वहाँ इमेजिन करेंगे एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल इमेजिन किया जाता है, इमेजिनरी टेस्ट पोल नॉर्थ पोल है। तो ये नॉर्थ इसे रिपेल करेगा, ये साउथ इसे अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों बी में से वैल्यूज को माइनस करके आंसर आ जाएगा। बी का फॉर्मूला क्या है? बी का फॉर्मूला μ0/4π। हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या यूज करते थे? 1/4πε0 Q/r2। इसमें Q की जगह पोल स्ट्रेंथ यूज करते हैं स्मॉल m, और R इसमें पता लग रहा है सारे डिस्टेंसेज सेंटर से हैं। ये R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा? R-L। और ये डिस्टेंस क्या बनेगा? R+L। तो ये R-L एक R+L, दोनों को माइनस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स की बिल्कुल सेम डेरिवेशन है ये, फर्क ये है कि जहाँ Q यूज करना है वहाँ पोल स्ट्रेंथ यूज कर लेना, जहाँ 1/4πε0 वहाँ μ0/4π यूज कर लेना। माइनस करके रिजल्ट भी एग्जैक्टली सेम आएगा। उसमें रिजल्ट आता था 1/4πε0 2π/r³, इसमें P की जगह पोल स्ट्रेंथ नहीं डायपोल मोमेंट कैपिटल M यूज करेंगे, क्योंकि जब डेरिवेशन कर रहे होंगे तो Q इंटू 2A याद है, इसमें M इंटू 2L को बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो सेम रिजल्ट आता है। इक्वेटोरियल भी सेम केस है, जहां आपने इक्वेटोरियल किया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, जहां Q यूज किया वहां पोल स्ट्रेंथ यूज कर लेना, जहां P यूज किया वहां कैपिटल M यूज कर लेना, रिजल्ट बिल्कुल सेम आने वाला है। तो ये बिल्कुल सेम कॉपी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये पेपर में आ जाता है, या तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आएगा कि टॉर्क और डायपोल निकालो या इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल, या फिर पेपर में आ सकता है कि एक बार मैग्नेट लो और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। बार मैग्नेट बेसिकली कुछ नहीं है, एक मैग्नेटिक डायपोल है। तो एक मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर टॉर्क निकाल लो। तो मैग्नेटिक डायपोल की क्या होगी? पोल स्ट्रेंथ M। जैसे क्यू ही फॉर्मूला लगता था F=Q इलेक्ट्रोस्टैट्स में, क्यू की जगह स्मॉल m और E की जगह B, तो MB। यहाँ पर फोर्स क्या है? M × B, और इनमें डिस्टेंस क्या है? ये 2L है, और ये क्या है? 2L sin थीटा।
तो इसमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा। तो फोर्स 2L एम बी इंटू 2L साइन थीटा, एम इंटू 2L क्या होता है कैपिटल एम, तो टॉर्क का फॉर्मूला एम क्रॉस भी आ जाएगा, ये याद होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है कि जब भी आप इसमें रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप इसे मान लो रोटेट कर रहे हैं तो इसमें वर्क डन करना पड़ रहा है आपको रोटेशन के लिए, तो जो आप वर्क डन करेंगे वही इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला कहां से यूज करेंगे, डी डब्ल्यू से। वैसे डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है, पर रोटेशनल मोशन में क्या होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा होगा। टॉर्क हमें पता है, एंगल थीटा वन से थीटा टू की लिमिट लगा दें, सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कॉपी है। और अगर एक एंगल 90 है एक थीटा है तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आएगा माइनस एम क्रॉस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो वापस चलते हैं, चार ओरिएंटेशन हैं, आपको ये बताना है चारों में किसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और किसमें मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो अभी किया हमने, माइनस एम बी क्रॉस थीटा किया, ये एरिया वेक्टर है, एन एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर और बी में, इसमें एंगल क्या है 180, एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या है 90, एरिया वेक्टर और बी में एंगल ग्रेटर देन 90 और वहां पर लेस देन 90, बी और एरिया वेक्टर में लेस देन 90। यहां पुट कर लेना थीटा, तो पोटेंशियल जी जिसमें पॉजिटिव है वो मैक्सिमम है, जिसमें नेगेटिव है वो मिनिमम है, और जिसमें जीरो है वो तो जीरो ही है। तो ऐसे चेक करके बताना है कि किसमें मैक्सिमम किसमें मिनिमम है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे जो मैं बताने जा रहा हूं अब। अर्थ मैग्नेटिज्म तो नहीं आएगा, हट गया, तो इस पे क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो रेशियो है म्यू आर का वो म्यू मीडियम बाय म्यू नॉट होता है। तो किसी भी म्यू मीडियम का फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाता है। वही काम जो एप्सिलॉन आर करता था इसमें म्यू आर करता है। जैसे आपका सोलेनोइड का जो बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। जब सोलेनोइड वैक्यूम मीडियम में पड़ा होता है, अगर मान लो क्वेश्चन में वैक्यूम नहीं है और सोलेनोइड में एक आयरन कोर डाल दिया, उसके अंदर आयरन का कोर डाल दिया, अब प्योर मीडियम वैक्यूम तो रहा नहीं, मीडियम तो चेंज हो गया, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, म्यू मीडियम इंटू एन इंटू आई। और म्यू मीडियम होगा क्या, म्यू आर की वैल्यू गिवन होगी जो कि म्यू मीडियम बाय म्यू नॉट होगी, तो म्यू मीडियम कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मीडियम की वैल्यू यहां पर ऐसे करनी है। तो पेपर में आता है, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर बीच में डाल दिया तो बी पे क्या अफेक्ट है, एल पे क्या अफेक्ट है, तो म्यू आर टाइम्स कोई भी चीज बढ़ जाएगी, ये याद रखना है। म्यू आर को म्यू एम हो जाएगा, म्यू एम इज म्यू नॉट इनटू म्यू आर हो जाता है, ऐसे इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन पता होनी चाहिए वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला है या सिंबल है H। तो B का सोलेनोइड में फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, इस एन इंटू आई को बोलते हैं H, म्यू नॉट इंटू H। H का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अगर मैं ये बोलता हूं कि किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक बनाने के लिए मैंने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसकी जगह मैं ऐसा बोल सकता हूं मैंने ज्यादा H अप्लाई किया, एक ही बात है, H ज्यादा होगा तो B भी ज्यादा होगा, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, क्योंकि मैंने H अप्लाई किया, सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ, तो जो मैंने अप्लाई किया वो H है, सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ वो I है, I की वैल्यू ज्यादा होगी सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटिक होगा, I कम होगा सब्सटेंस कम मैग्नेटिक होगा। H तो जितना मर्जी, एच तो आप लकड़ पे अप्लाई कर लो, फर्क क्या पड़ता है, उसमें मैग्नेट बनना ही नहीं है, उसका I हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो H और I का सिंबल याद रखना है। काय ससेप्टेबिलिटी है, जिसकी रेशियो I बाई H है, कि आपने कितना फील्ड अप्लाई किया,
सब्सटेंस की तरह मैग्नेटाइज हुआ, इसकी रेशियो को काय बोलते हैं, ससेप्टेबिलिटी। इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना है एक नंबर का प्रॉपर्टी पे, डाया पैरा और फेरो के ऊपर। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय नेचर उनके जो एटम्स होते हैं वो मैग्नेटिक बिल्कुल भी नहीं होते, डेड होते हैं, लेकिन पैरा और फेरो के एटम बाय नेचर मैग्नेट ही होते हैं। लेकिन पैरा और फेरो का मटेरियल अगर मैं लेके आऊं तो वो तो मैग्नेट नहीं है, वो तो चाहे लोहे का पीस है, लोहे का पीस ही है, वो मैग्नेट तो नहीं है, क्योंकि उनके डायपोल मोमेंट आपस में क्या कर जाते हैं, कैंसल। बट बाय नेचर इसका एटम मैग्नेट नहीं है, बाय नेचर इनका एटम मैग्नेट है। तो ये डिफरेंस है इनमें पहला। लेकिन सब्सटेंस तीनों के तीनों मैग्नेटिक ही हैं, तीनों के तीनों मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है फिर, अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम मैग्नेट नहीं है फिर ये मैग्नेटिक कैसे है? क्योंकि जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है दे एक्ट लाइक अ मैग्नेट, इसलिए ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, बाय नेचर नहीं है पर ये मैग्नेट बन जाते हैं। और डाया और फेरो तो बाय नेचर ही मैग्नेट है, और मैग्नेटिक सब्सटेंस में तो ये मैग्नेट है ही है, ये फर्क है इनमें। इसके लिए आगे की थ्योरी है, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल कोई भी दो याद कर लो, कॉपर एंड गोल्ड है। आप इन्हें जब लटकाते हैं किसी भी धागे से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं और ये अलाइन होने की बजाय इनके परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ये याद रखना प्रॉपर्टी। अगर आप इन्हें पाउडर फॉर्म में लें तो पाउडर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग जाता है, ये याद रखना प्रॉपर्टी। अगर आप लिक्विड फॉर्म में लें तो मैग्नेटिक फील्ड जहां वीक है ये वहां शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दो, जिसके ऊपर पेपर में आना है क्वेश्चन, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने देते, ठीक। तो और सबसे बड़ा, इनका जो म्यू आर है, म्यू आर ये हमेशा लेस देन वन है, ये याद रखना है। और इनका जो काय होता है वो नेगेटिव है, याद रखना, पेपर में आएगा। कंसिडर अ सब्सटेंस जिसका काय नेगेटिव है, भाई वो डायमैग्नेटिक है, और जिनका काय पॉजिटिव है वो पैरा और फेरोमैग्नेटिक है। तो काय नेगेटिव तो स्पेशल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, पैरा की उल्टी प्रॉपर्टीज हैं और फेरो की भी सेम प्रॉपर्टीज हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होते हैं, पाउडर फॉर्म में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, जहां लिक्विड फॉर्म है वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चले जाएंगे, सारी लाइन इनके अंदर से क्रॉस होंगी, इनका म्यू आर ग्रेटर देन वन है और काय इनका पॉजिटिव है, फेरो की भी सेम प्रॉपर्टीज हैं। तो ये नहीं करना आपने इसमें, जो पैरा जो डायमैग्नेटिक है सॉरी जो पैरामैग्नेटिक है उनके एटम थोड़े कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं, तो इसके अंदर ये इस तरीके से ओरिएंट होते हैं ताकि आपस में डायपोल मोमेंट क्या हो जाए, इनका कैंसिल हो जाए, ठीक है, कैंसिल हो जाए। तो जो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं, डोमेन्स बोलते हैं इसे, इकट्ठे कई डायपोल मोमेंट इकट्ठे एक तरफ ओरिएंट होते हैं, और जब इनको मैग्नेटाइज किया जाए तो सारे डायपोल मोमेंट एक तरफ ओरिएंटेशन शो करते हैं। बस ये इसकी ये डिफरेंस है इनमें। इसमें क्यूरीज लॉ ये कहता है जो काय है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काय जो है वो कम हो जाएगा, सब्सटेंस कम मैग्नेटाइज होगा, हीटिंग करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होती है। हिस्टेरेसिस तो मेरे को लगता है नहीं है अभी, हिस्टेरेसिस तो नहीं, हट गया ना हिस्टेरेसिस, ठीक है। तो जितना हमने काम किया उस पर क्या पेपर एग्जैक्ट आया है अब उसको एक बार देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। हमने इतनी डेरिवेशन देख ली, हमने न्यूमेरिकल देख लिए, कन्वर्जन देख, सब कुछ देख लिया, अब देखते हैं पेपर में आता क्या है, ताकि आप ना अपनी तैयारी पेपर के हिसाब से ही करें। देखो ध्यान से देखना, पेपर बनाने वाले की जो टेंडेंसी है ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो रट्टा वाला पेपर नहीं डालता। मैं बार बार हर लेक्चर में ये बोल रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डेरिवेशन याद करके जाऊँगा और मैं 90% लूँगा, आप सिर्फ पास होंगे, थ्योरी याद करके सिर्फ पास होंगे, आप उस ब्रैकेट में कभी नहीं आएंगे। आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है M for magnetic,
टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एंड 10 एम्पियर, आई वन आई टू गिवन है, आर प्लेस 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट, ए बी गिवन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने किया लास्ट टाइम, क्या फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई वन आई टू बाय ए हो जाएगा आंसर. इफ एन एम मीटर इज टू बी यूज इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर तो देन वी मस्ट कनेक्ट विद एम मीटर, क्या हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज तो डी बनेगा, सही बोल रहे हैं, दोबारा सोचें ऑनलाइन. एम मीटर को लगाना है वोल्ट मीटर की जगह, ठीक है, देन वी मस्ट कनेक्ट विद एम मीटर. देखो वोल्ट मीटर कैसे बना था, एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा के बना था, तुम क्या कर रहे हो एम मीटर लगा रहे हो, एम मीटर की रेजिस्टेंस तो लो होती है शंट की वजह से, पर तुम्हें तो वोल्ट मीटर बनाना है तो तुम्हें एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगानी पड़ेगी, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज लगानी पड़ेगी, डी ऑप्शन, क्योंकि वोल्ट मीटर बनाना है ना अल्टीमेटली, तो एम मीटर से अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर बनाने का मतलब ही है कि हायर रेजिस्टेंस सीरीज में लगानी ही पड़ेगी, और कोई तरीका है ही नहीं, सही. अब ये देखो कि फाइनल मीटर क्या बन रहा है, फाइनली क्या बन रहा है, वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर बनता ही तब है जब हायर रेजिस्टेंस सीरीज में, एम मीटर बनता ही तब है जब शंट लगती है, सिंपल है, बनना क्या है उस पर डिपेंड करेगा आंसर. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज बी1. The magnetic field at a point on its axis at a distance of r is b2. तो आंसर क्या होगा, फॉर्मूला पता है क्या लग रहा है इसमें, हमने b की डेरिवेशन की थी लास्ट टाइम, एक b निकाला था सेंटर पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, और एक हमने एक्सिस वाली डेरिवेशन की थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 करंट इनटू एरिया अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 वाला, x की वैल्यू पुट कर लेना जो इसमें पुट करनी है, तो b2 आएगा, फिर b1 और b2 की रेशियो आएगी, यानी कि वो रिंग की डेरिवेशन नहीं दी उसने, पर रिंग के एक्सिस पे उसने b का फॉर्मूला यूज करवा लिया, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका मतलब. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स. कब? करंट कैरिंग वायर पे फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, BIL sin थीटा. थीटा जब 90 होगा तो यानी कि करंट लेंथ में और बी में एंगल जब 90 होगा तो फोर्स क्या होगी इस पे, मैक्सिमम. तो परपेंडिकुलर मार्क कर लेना इसमें. आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा, F is equal to BIL sin 90 में sin 90 1 होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री, ठीक, परपेंडिकुलर होगा इसमें. नेक्स्ट है, स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज सस्पेंडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी. टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर इज इक्वल टू व्हाट. देखो इसमें तो ये एक रॉड है, इस रॉड को ये स्ट्रिंग से आपने क्या कर दिया, आपने यहां पर टाई कर दिया ऐसे, ठीक है, तो इसके अंदर इसका मास क्या है m, तो इसका वेट क्या है mg, ठीक mg, और यहां पे टेंशन क्या हो जाएगी TNT. क्या चाहते हो, टू रिमूव द टेंशन इन सपोर्टिंग स्ट्रिंग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा. देखो वो चाहता है कि टेंशन जीरो हो जाए फिर भी रॉड हवा में रेस्ट पे रहे. ऐसा तभी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो इसमें परपेंडिकुलर, ताकि मैग्नेटिक फोर्स क्या हो BIL, और कहां लगे ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जब ऊपर लगेगी BIL वो वेट को बैलेंस करेगी mg, तो BIL इज इक्वल टू mg वहां से निकालना जो निकालना है. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तभी टेंशन जीरो होगी. अगर BIL भी नीचे लग गया फिर टेंशन जीरो नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो आप चाहे आप टेंशन को जीरो कर दें तो BIL एटलीस्ट वेट को बैलेंस कर लेगा. नेक्स्ट है, कॉन्स्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड. कहा था आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया अलोंग द एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज. तो क्या इंक्रीज नहीं होगा, क्या मार्क करोगे, हाँ जी ऑनलाइन डी नहीं होना चाहिए, सेल्फ इंडक्शन कॉन्स्टेंट नहीं होती हेनरी में,
नहीं, बी तो बढ़ेगा ना, बी इज म्यू नॉट इनटू समथिंग, तो म्यू नॉट इनटू म्यू एम म्यू आर हो जाएगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जहां जहां बी आ रहा है वो तो बढ़ना ही है। मेरे हिसाब से तो डी आना चाहिए, सेल्फ इंडक्शन एल तो हेनरी है, तो 10 हेनरी 10 हेनरी रहता है, वो तो चेंज ही नहीं होती सेल्फ इंडक्शन। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं ऑनलाइन। कोई आंसर? क्या क्वेश्चन है? 31, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 31 का आंसर इसमें दिया होगा नीचे, नहीं, सी है। सी मीन्स इंसर्शन ऑफ आयरन रॉड इन सोलेनोइड विल इंक्रीज परमियबिलिटी ऑफ मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, बी तो इंक्रीज होगा, एंड दिस विल इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड एज वेल एज द इंडक्टेंस। अच्छा, एल के अंदर भी म्यू नॉट आ रहा है वो कह रहा है, तो सी ऑप्शन क्या है इसमें? क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31 में क्या हुआ? रेट ऑफ जूलिंग करंट, इसमें बी नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा ना, आई स्क्वायर आर टी, इसमें म्यू नॉट नहीं आ रहा, म्यू आर नहीं आ रहा, म्यू एम नहीं आ रहा, बाकी सब में म्यू आ रहे हैं। ठीक है यार, गलत है, एल मेरा गलत हो गया आंसर, तो एल के अंदर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आना है। ठीक है, तो म्यू नॉट इन टू म्यू आर हो जाएगा वो भी, यार एल भी चेंज हो जाएगा, सही कह रहे हैं। ठीक है, सही है, तो करंट जूल हीटिंग कर देना मार्क। ठीक है, बस जिसमें बी आ रहा है ना, रादर नहीं, मैं चेंज कर रहा हूँ, बी से मेरा आंसर गलत हो गया, जिसमें म्यू नॉट आ रहा है वो चीज़ चेंज होएगी। मैंने बी का लॉजिक लगाया ना, क्योंकि मेरे को लगा बी म्यू नॉट पे डिपेंडेंट है, तो म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा, तो बी चेंज होगा, जहाँ जहाँ बी आ रहा है मैंने कहा वो चेंज हो रहा है, तो एल के अंदर मैं भूल गया कि एल के अंदर म्यू नॉट भी यूज़ होता है, तो एल भी यानी कि म्यू नॉट और म्यू एम पे डिपेंड करेगा, और बचा क्या? सिर्फ करंट आई स्क्वायर आर टी बच गया। ठीक है, इसका आंसर अच्छा होगा, चेक कर लिया, तो इसका आंसर रेट ऑफ जूल ये करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कह रहा है, क्या मार्क करेंगे? मेरे को सी लग रहा है, सी है क्या? हाँ सी होगा, क्योंकि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर अगर ड्रॉ करेंगे तो इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, सी तो पक्का ही ठीक है, क्योंकि क्लोज लूप तो बनाती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो बाकी सब गलत है, सी सही कर देना, सही है। हाँ बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, पर उसके अंदर भी तो फील्ड होता है ना, नहीं होता है वो बाहर अंदर मेंशन नहीं कर रहा ना इसमें यार, मतलब सी, अगर बेस्ट आंसर मार्क करना है तो सी कर दो यार, क्योंकि होता क्या है कि मैग्नेट, जैसे मान लो एक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया, खैर इसने इसने बोला कि उसने कहा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, अब मैग्नेट तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलनॉइड भी हो सकता है, सोलनॉइड के अंदर फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है, अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, मत जाना, सी बेस्ट ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, क्योंकि क्लोज लूप बना देती हैं, जब क्लोज लूप बनाती हैं तो फिक्स पोल मिलेंगे नहीं आपको, तो मत करना, आप सी ही करना इसमें। बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम, इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड बी, तो बार मैग्नेट और बी एक तरफ अलाइंड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग क्या होगा? जब एक बार मैग्नेट या डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है तो थीटा क्या होगा? जीरो, यानी कि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वही रहना पसंद करता है डायपोल, टॉर्क तो लगेगा नहीं और मैं कहता हूँ फोर्स भी नहीं लगेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में नेट फोर्स क्या होती है? जीरो, तो फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, कुछ लगेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ तक नेट फोर्स जीरो, पोल्स पे तो फोर्स लगेगी पर आपस में कैंसिल होने की वजह से नेट फोर्स जीरो आएगी। नेक्स्ट है, द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, सही है, पोल्स कैसे सेपरेट कर दोगे? तुम घर ले जाओगे नॉर्थ और मैं घर ले जाऊंगा साउथ, तो मैग्नेट को काटोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकल पोल जनरेट हो जाते हैं उसमें नॉर्थ एंड साउथ, सिंगल पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक ही तो लग रही है इसमें। हाँ बता रहा हूं, तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, पोल ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो ये तो बात ही अलग हो गई, और नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये मोनोपोल जो होता है वो सिंगल पॉइंट पोल होता है, ऊपर वाला क्वेश्चन बार मैग्नेट पे है, तो मेरे को लगता है उसका रीजन नहीं होना चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट करेक्ट मार्क करनी चाहिए। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ इसका आंसर एग्जैक्ट क्या है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे वैसे? अब नहीं, मेरा मत सुने, मेरा अपना व्यू है,
एजर्शन लीजिंग सबसे खतरनाक होती है, तो किसी पे बिलीव ना करें। सबको पता है कि घर जाके ही ये तो पेपर में पता लगती है ठीक हुई कि गलत हुई। ए, और सबसे मुश्किल है ये बताना कि रीजन है कि नहीं। वैसे इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हर कोई बता देता है, ओके ठीक है। अब बी के साथ, ए के साथ, करेक्ट, ठीक है। 44th चेक कर लेते हैं, नहीं 46th, 46th चेक कर लेते हैं, 46th। हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है यार, ठीक है। जिनका ए मार्क हुआ ठीक है, रीजनिंग सही है, क्योंकि ठीक है यार, वो काट रहा है बार मैग्नेट को, वो मोनोपोल मान रहा है, इट्स ओके, ठीक है यार, अच्छी बात है, तुम्हारे नंबर बढ़िया आ जाएंगे, मेरे नंबर एक दो कट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन रेडियस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डबल्ड, मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम। देखो सबसे बढ़िया ये है, एजर्शन रीजनिंग सबसे गंदी तब होती है जब ना प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी में न्यूमेरिकल पूछा जाता है ज्यादा बेटर है। जरा ये देखना, व्हेन रेडियस ऑफ करंट कैरिंग लूप इज डबल्ड मैग्नेटिक मोमेंट बिकम 4 टाइम्स, क्या बोलते हो? 4 टाइम्स क्यों? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? करंट इंटू एरिया, एरिया में आर डबल कर दिया तो कैपिटल एम 4 टाइम्स। मैं तो कह रहा हूं प्रॉपर्टी सबसे गंदी है, न्यूमेरिकल सबसे बढ़िया है, ए तो पक्का ही ठीक है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी चेक नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, हाँ ये ठीक है। अब आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, रीजन भी सही है। डन। हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, सही गलत? क्यों? नहीं, एक मिनट, उसने कहा हायर द रेंज, रेंज अगर बढ़ानी है तो क्या रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लो रखेंगे? ओके, आप हाँ के साथ जाएंगे, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि एमीटर बनाने के लिए हमें शंट लगानी पड़ती है और शंट इज अ लो रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस लो रखनी पड़ती है। ओके डन, ठीक है। बी देख लें, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज टू इट, क्या ये सही है? उल्टा शंट तो बढ़ गई, एमीटर में शंट एक लो रेजिस्टेंस, शंट पैरेलल में लगती है पहली, सही सही बात है, शंट पैरेलल में लगती है, और वो क्या कह रहा है, रेंज ऑफ एमीटर के लिए एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज टू इट, नहीं ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। तो ए स्टेटमेंट ठीक लग रही है, बी स्टेटमेंट गलत है, ये भी चेक करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आंसर मार्क करोगे इसमें? बीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, वापस में क्या करेंगी? अब देखो ना, इसकी इंटरप्रिटेशन कितनी गलत है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बीम की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बीम की आपस की बात कर रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो सीधे कैसे जाएंगे, बीम वो रिपेल करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन भी आपस में रिपेल करेंगे, तो क्या आंसर मार्क कर सकते हो इसमें? अट्रैक्ट करोगे कि बी रिपेल करोगे? प्रोटेक्ट करोगे, देखें चेक कर लेना चाहिए इसका आंसर। और ऑनलाइन क्या मार्क करेंगे? क्वेश्चन नंबर क्या था? बी रिपेल ईच अदर,
बोला ना आपको, अब ये इंटरप्रिटेशन है। अब कोई कहता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मैं उसी की भी इनकी बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इकट्ठे चलेंगे कैसे, वो तो आपस में हवा में रिपेल ही करेंगे। अब जैसे आप ये एज्यूम कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन तो वायर में चल रहा है तो करंट ऑपोजिट हो जाएगा, वो अट्रैक्ट करेंगे, भाई वायर में चल ही नहीं रहा पहली बात तो, उसमें बोल रहा ही नहीं कंडक्टर में चल रहे हैं, तो आप इसे हवा में बीम लें और हवा में बीम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपेल करेगी, प्रोटोन प्रोटोन की भी रिपेल कर जाएगी, तो मूव कैसे करेगी, तो कुछ ऐसा है। तो इसलिए उसने आंसर रिपल्शन में मार्क किया हुआ है उसने आंसर। ये देख लो क्या क्वेश्चन, लास्ट टाइम उन्होंने एम्पियर सर्कुलर लॉ किया था, इसका आंसर क्या होगा बता सकते हो, इसका आंसर क्या होगा, सिक्स का न्यूमेरिकल है तो। हमने एम्पियर सर्किट लॉ किया था, एम्पियर सर्किट लॉ में हमने एक वायर के अंदर भी निकाला था लास्ट टाइम, एक वायर के बाहर भी बी निकाला था। बाहर का फॉर्मूला तो वैसे ही क्लियर है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो क्या फॉर्मूला था, अगर एक वायर है, हमने ऐसे डेरिवेशन की थी, अगर एक वायर है और अगर मुझे इसके 2a डिस्टेंस पे बी निकालना है तो बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4i 2i डिवाइडेड बाई 2a, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर मुझे इस वायर के अंदर निकालना है, इनसाइड निकालना है, तो इनसाइड निकालने का तरीका क्या है, ये याद रखना फॉर्मूला, आई बाई इनसाइड कैसे निकाला था, आप एक वायर लें, ए इसका रेडियस है, पर आपको बी जो निकालना है वो कहाँ निकालना है, वो यहाँ निकालना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए बाई 2। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ से ये क्या बनेगा, बी इंटू 2 into pi into a by 2, ये लो, b into 2 pi r is mu naught times current i dash। अब i dash क्या लेंगे, जितना करंट इतने एरिया में जा रहा है, इतने एरिया में क्या करंट जा रहा है, अगर पाई ए स्क्वायर है तो करंट क्या है, i 1 है तो i by पाई ए स्क्वायर, और अगर इतना एरिया है तो पाई इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे तो ये करना पड़ेगा, तो जो कि 1/4 के आसपास आएगा। तो यहां से आई डैश की वैल्यू पुट करना, बी निकालना, फिर जो ऊपर बी निकाला और जो ये बी निकाला उनकी रेशियो निकालना और चेक करना क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 1:1 बराबर आ रहा है, क्योंकि एक में डिस्टेंस ए बाई टू है, एक में डिस्टेंस 2a है, जिस वजह से मेरे ख्याल से रेशियो बराबर है। मुझे पता नहीं इसका आंसर, पर इसका आंसर निकलेगा ऐसे ही, न्यूमेरिकल है तो हमने, या फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लास्ट टाइम हमने किया था फॉर्मूला, तो एक में बी जो इनसाइड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है ऐसे सिखाया था, और आउटसाइड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की, आर के फॉर्म में होता है, ऐसा कुछ किया था हमने लास्ट टाइम। एम्पियर सर्किट लॉ की चौथी एप्लीकेशन थी, तो उसका न्यूमेरिकल डाल दिया इसने थ्योरी की जगह। नेक्स्ट है, ये तो बहुत तंग करती है यार, एसर्शन रीजनिंग, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, हाँ करती है, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो करेगी, उसे ये तो नहीं कहा, मतलब एक तो होता है कि करेगी नहीं, करेगी, यस है। डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हाँ ये तो बात सही है, परमानेंट डायपोल मोमेंट का होता नहीं है, ठीक है। ब्रीफली अब देखो ना, अब ये तो एजर्शन रीजनिंग की ना यार, एक बात बताऊं, गारंटी कोई है नहीं ज्यादा, आप एक्सपीरियंस हो, आप वो तो हो नहीं कि आप पहली बार देख रहे हो, आपने बहुत ट्राई की होगी, तो असम्पशन रीजनिंग में ना करेक्ट और राइट और रॉन्ग तो बताए जाते हैं, सबसे जो बेकार ऑप्शन है वो है रीजन है कि नहीं, ये सबसे बेकार काम है। अब जो है तो है, बाकी सब पेपर ठीक है, सबसे ज्यादा डेंजर वाला पार्ट यही रहता है, चलो कोई बात नहीं, ये सबसे बढ़िया पार्ट है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव पोर्शन आना है ना वो तो फिक्स फॉर्मेट पे आना है, वो पुराने फॉर्मेट पे आना है जो सीबीएसई हमेशा पूछती आई है, जैसे एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, चलो शुक्र है जो आप याद करके गए, डेरिवेशन 2 नंबर की तो आई, इतना सुनने के बाद 2 नंबर की तो आई। आगे नेक्स्ट है,
पूरा लिखना है कैसे करना है, बाय कनेक्टिंग शंट इन पैरेलल, प्रूफ भी करना है डायग्राम के साथ बिल्कुल। नहीं, दो नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं लिख के आना कि वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर बाय अप्लाइंग अ शंट इन, ना ना एक लाइन में नहीं, दो नंबर है, दो नंबर का कम से कम इतने पेज का डायग्राम के साथ दो मैथमेटिकल करके आना है, थ्योरियां मत लिखना एक एक लाइन की, जो मैथमेटिकल डायग्राम है और जो पूरा डेरिवेशन है वो लिखनी है आपने, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक लाइन लिख दी और दो नंबर नहीं मिल रहे, आपको नंबर बता रहा हूँ दो नंबर इसमें, ठीक। डायग्राम बनाओ प्रॉपर, लिखो उसको मैथमेटिकल और दिखाओ डायग्राम से कि मैंने शर्ट लगाई है, फिर आपका पेपर चेक भी नहीं होना, पूरे में पूरे नंबर दे देने उसने। डायग्राम तो जहाँ नहीं भी बनता, बंदा डायग्राम बना के आए ताकि बस वो जो पेपर चेकर है ना वो पढ़े ही ना पेपर, वो डायग्राम समझ जाए कि बच्चे को आता है, उसका टाइम बचाओ, अपना टाइम भी बचाओ, अपने नंबर बचाओ, उसका तो टाइम भी बचाओगे तो खुशी हो जाएगा बच्चे को आता है। कहानियाँ पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आपको पसंद है ये सब पढ़ना? नहीं पसंद, कितना मुश्किल है इसको पढ़ना। हाँ, कोई चीज़ ऐसी लिखी हो पढ़ी जाती है, फटाफट स्टेप देखे जाते हैं, तो हमेशा मैथमेटिकल ही लिखना चाहिए, और डायग्राम हो फिर तो मज़ा ही आ जाए, बंदा डायग्राम देखते ही पहचान जाता है किसको आता है, ठीक। ये तो भी किया नहीं हमने, अच्छा और पेपर है ये, ठीक है। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैप 2 मीटर अपार्ट, ए गिवन है, 3 एम्पियर करंट है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो हो जाएगा। चलो एक नंबर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमिबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस, सबसे ऑड इसमें कॉपर ही है, बाकी एक कैटेगरी की है, कॉपर सबसे अलग ही चमकता है, तो बनना ही कॉपर है, पक्की बात है, ठीक। नेक्स्ट है, ओह एजम्पशन रीजनिंग फिर से, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज जीरो व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही बोल रहा है, क्योंकि अगर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ है तो मैक्सिमम टॉर्क है और परपेंडिकुलर में जीरो टॉर्क है, सही है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है भाई, चलो ये तो बिल्कुल क्लियर है, एक सही एक गलत, बात ही खत्म। नेक्स्ट है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्स फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, तो कहां से ढूंढ के लाया क्वेश्चन, इतनी डेरिवेशन से यही मिला इसे, तो क्या आंसर है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, किया था हमने बुकलेट में लिखा तो है, लॉरेंट फोर्स सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये आंसर लिख देना एक तो। नेक्स्ट है, When is the magnitude of this force maximum? Okay, Lorentz force normally magnetic force से ज्यादा related relation रखती है, तो बी क्यू बी साइन थीटा, थीटा जब क्या होगा जीरो, जब चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक, थीटा जब सॉरी क्या होगा 90, जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और बी में एंगल क्या होगा 90, तो फोर्स क्या होगी मैक्सिमम, दूसरा आंसर भी आ गया। तीसरा, show that no work is done by this force during a motion of the particle from point r1 vector to r2 vector, ye kya hai, isse kya karenge, ye ajeeb hai, to kaise karenge iska work done zero, acha second part kar lenge, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो Q इंटू वी क्रॉस बी, ट्राई करता हूं, वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर भी निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू मैग्नेटिक फोर्स इंटू वेलोसिटी वेक्टर, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा V क्रॉस B को डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में मूव करने वाला है, तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर है, जो भी वी और बी के परपेंडिकुलर आए, अगर जैसे आई है ये जे है तो आंसर किस में आएगा, के में, तो ये आई है तो ये भी आई है, आई डॉट के क्या हो जाएगा 90,
तो पावर से प्रोड्यूस कर देना, फोर्स इन डॉट वेलोसिटी करना, पावर जीरो तो वर्क डन भी जीरो कर देना मैग्नेटिक फोर्स में, हो गया जीरो। ठीक, थोड़ा अच्छा नहीं है तो कहीं लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मतलब अगर ऐसा आ जाए तो। ये तो ठीक है मैथमेटिकल, तो ठीक ही है ये, मैं कहता हूँ ये ज़्यादा बेटर है। करंट कैरिंग आई वायर है, चार्ज पार्टिकल क्यू है, ये हमने असाइनमेंट में किया भी है, वी वेक्टर नीचे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ये अच्छा है, इसमें करंट कैरिंग वायर की वजह से पहले यहाँ बी निकाल लो, इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I/D, बी आ गया, फिर बी वेक्टर बोर्ड के अंदर बाहर होगा, जैसे बोर्ड के अंदर है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी क्यू वी साइन 90। इस बी को उठा के यहाँ पुट करके फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आंसर। ये ज़्यादा ठीक है यार, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है यहाँ तक, गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ IG, रेजिस्टेंस R1 इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज V एंड R2 टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 2V, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो कमाल कर दिया यार, ये तो नया ही कुछ मीटर निकाल दिया इसने, दो बार बनाना है, एक बार जीरो से V बनाना है, फिर उसके बाद 2V बनाना है, तो पहले सीरीज में क्या लगेगी R1, फिर सीरीज में फिर से क्या लगेगी R2, दो बार फॉर्मूले लगा के आंसर आएगा। R का फॉर्मूला हमने वोल्ट मीटर का कर लिया था, पहले R1 पुट कर लेना और V पुट करना, फिर R2 पुट करना, V से 2V करना, मतलब इस तरीके से आपको दो बार करना पड़ेगा। थोड़ा मतलब मैं ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सीधा रट्टे वाला क्वेश्चन है नहीं, पेपर के बाहर आने के बाद आप यही बोलने वाले हो कि पेपर इतना भी आसान नहीं था, इसको देखते हुए तो कम से कम बोलोगे ही, बंदा याद करके जाता है घर से प्रॉपर यार, तो न्यूमेरिकल भी टप गया, नया ही न्यूमेरिकल बनाया हुआ है इसने। ठीक, टू हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर कैरी अ करंट आई ईच इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट मिडवे क्या होगा। ये तो आसान है, तो करंट कैरिंग लॉन्ग वायर्स हैं, ये रहा करंट आई, और करंट आई ऑपोजिट है, इसके मिड पॉइंट में बी निकालना है, तो निकाल लेना, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगा लोगे बी का, तो इसकी वजह से बी कैसे है अंदर और इसकी वजह से कैसे है इनसाइड, तो दोनों इनसाइड इनसाइड ही होंगे, तो ऐड कर लेना इन्हें। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसे हैं डायग्राम में, तो हॉरिजॉन्टल है, तो आप अपने प्लीज कोई भी दो पेंसिल ले लेना, ऐसे ड्रॉ करना, क्योंकि फिर आंसर देना आसान हो जाएगा, अगर करंट यहां पे जा रहा है तो कैसे लेना है आपको मेंशन करना है, तो बी इनफाइनाइट वायर का ऐड करना है बेसिकली आपको। ठीक, ये तो प्रॉपर्टी आ गई, किसकी है, कॉपर की, कॉपर डायमैग्नेटिक है, लाइंस इसमें से क्रॉस ही नहीं होती, वो फिर भी न्यूमेरिकल था, चलो कि भी ठीक है। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप पी एंड क्यू ऑफ रेडियस आर, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये आसान है, हमने क्लास में किया भी था, क्या जो ये हॉरिजॉन्टल रिंग है इसका बी क्या आएगा इधर, और जो वर्टिकल है उसका कहाँ आएगा इधर, तो ऑब्वियसली इधर और इधर का बी, नेट बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 × b वेक्टर सम, और बी सर्कुलर वायर का आपको पता है आंसर, ये आसान है। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज केप्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैरी द करंट ऑफ आई अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, एट एन इंस्टेंट टी अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू एट अ पॉइंट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू कंडक्टर। ये कौन सी डेरिवेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये कौन सी डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन कौन सी डेरिवेशन है दोस्त, ये क्या करना है इसमें, ये वही क्वेश्चन है, डेरिवेशन नहीं है, कि करंट कैरिंग वायर लो, चार्ज पार्टिकल लो अभी भी, बी क्यू वी साइन थीटा वाला लगाओ, और बी का फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का लगाओ, जो अभी किया था ना क्वेश्चन अभी, जिसमें नेटवर्क डन जीरो था, उसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन था और वाला, उसमें डायग्राम बना हुआ था, तो डायग्राम नहीं बना हुआ अभी निकाला ना, एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, फिर फोर्स निकाल लो इनफाइनाइट वायर की वजह से, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक, मतलब सेट दूसरा है ना ये सी और डी सेट में, तो उसमें डायग्राम दे दिया, इसमें डायग्राम नहीं दिया, क्वेश्चन सेम है पर लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। ठीक, ऐसे है। सो नेक्स्ट, ठीक है बस।
ठीक है यहाँ तक।